फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईशन ब्यूटी शर्मिष्ठा। और मैं हूं शर्मिष्ठा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि मैं कैसे शेव करती हूं विद नेचुरल प्रोडक्ट्स डे टू डे लाइफ में। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे ही जो व्हाइट एंड रेड में बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके इसके पास में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहो मेरा जब भी वीडियो अपलोड हो। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि शेविंग करने से हमारी स्किन डार्क हो जाती है, यानी कि उस जगह की स्किन काली हो जाती है, जो कि एकदम गलत है। अगर हम लोग प्रॉपरली एक्सफोलिएट करके नेचुरल चीज़ें यूज करके अगर शेव करते हैं तो हमारी स्किन कभी भी डार्क नहीं होगी, बल्कि वो हमारी स्किन को और भी ज़्यादा एक्सफोलिएट करेगा और डेड स्किन सेल्स को हटाने में हेल्प करेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है शेविंग के लिए वो है रेजर। ये वाला है जिलेट का वीनस रेजर, तो इसमें 5 ब्लेड्स है। ये वाला मैं यूज़ करती हूँ, ये नया वाला है पर फिर भी मैंने इसको यूज़ कर लिया है ऑलरेडी। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, जिससे कि आपको बहुत क्लोज शेव मिलता है। और 5 ब्लेड्स है तो इससे बहुत इजीली जब आप लगाते हो बहुत स्मूथली और इजीली ये ग्लाइड ऑन होता है आपके स्किन के साथ, और इससे काटने का और छीलने का डर भी नहीं रहता है। रेजर आप कौन सा चूज कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप हमेशा अच्छा वाला रेजर यूज़ कीजिए जो कि आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जेंटल और सॉफ्ट हो। तो शेविंग के लिए 4 स्टेप बहुत ज़रूरी है, वो है फर्स्ट एक्सफोलिएशन, सेकेंड शेविंग क्रीम, फिर शेविंग, और उसके बाद मॉइस्चराइजेशन। शेविंग करने से पहले जिस जगह को हम शेव करेंगे उसको अच्छे से एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ माई लेग, मेरे लेग में हेयर्स हैं। आप पहले थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए, उससे अपने लेग्स को स्टीम दे दीजिए गर्म पानी और टॉवल से। बॉडी स्क्रबर बनाने के लिए पहले हम क्रश्ड शुगर ले लेंगे, यानी पिसी हुई चीनी। फिर मैं आमंड ऑयल ले लूंगी, जिसे हम इसमें डालेंगे। करीब 1.5 टीस्पून आमंड ऑयल हम 2 टीस्पून क्रश चीनी में डालेंगे। फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ऐसे ये रेडी है। आप अपना हैंड मत यूज कीजिए स्क्रब को यूज करने के लिए, अगर आपको स्टोर करके रखना है अपने हाथों में ऐसे लीजिए, अच्छे से स्क्रब कीजिए ताकि कोई भी डेड सेल ना रहे आपके स्किन में। अभी 2 से 5 मिनट आप अच्छे से स्क्रब कर लीजिए, और ये प्रोसीजर आप जब भी करोगे तो आप अपने बाथरूम में कीजिएगा, वरना आपका घर पूरा मेस हो जाएगा। और शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड मौजूद है जो हमारे स्किन को बहुत ही जेंटली बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, और आमंड ऑयल बहुत ही अच्छे से हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, जो कि शेविंग से पहले हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे धो के पैट ड्राई कर लीजिए, और ये देखिए कितना स्मूथ हो गया है क्योंकि इसमें आमंड ऑयल था। शेविंग क्रीम बनाने के लिए हम एक बोल में पहले बॉडी लोशन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे हिमालयर का एलो कुकुम्बर रिफ्रेशिंग बॉडी लोशन ऐड करूँगी। आपके पास घर में जो भी बॉडी लोशन है आप उसे ऐड कीजिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पतंजलि का एलोवेरा जेल। आपके पास जो भी एलोवेरा जेल मौजूद है वो ऐड कीजिए, एक्सेप्ट फ्रेश एलोवेरा जेल, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये शेविंग क्रीम रेडी है। अभी इसमें हम पूरा शेविंग क्रीम को अच्छे से हम अप्लाई करेंगे और एक लेदर जैसा बना लेंगे ऐसे। और अभी मैं अपने रेजर से धीरे धीरे बहुत ही केयरफुली और बहुत ही जेंटली शेव कीजिए, और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे हेयर्स निकल रहे हैं, और मैं बहुत ही धीरे धीरे इसको शेव कर रही हूँ ताकि सारे जो हेयर्स है वो रिमूव हो जाए और मेरे स्किन में भी कोई टगिंग या पुलिंग या कोई रैशेस या फिर स्क्रैच ना हो। शेव करने के बाद आप नॉर्मल प्लेन वाटर से अपने शेव्ड एरिया को अच्छे से धो लीजिए। पानी से धोने के बाद आप देखोगे आपका पैर कितना क्लीन कितना सॉफ्ट फील करेगा। लास्ट टाइम के लिए एक बार फिर से स्क्रब कीजिए। हम ये स्क्रबर लेके स्क्रब करेंगे। शेविंग के बाद एक्सफोलिएट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी इनग्रोन हेयर ना रहे और हमें वो पार्लर जैसा स्मूथ फिनिश मिले। ये शेव करने के बाद भी अगर कुछ भी डेड सेल्स या कुछ भी रह गया है उसे भी हटाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि रेजर से हमारी स्किन डार्क हो जाती है, उन लोगों के लिए तो ये स्टेप मस्ट ही मस्ट है, क्योंकि स्क्रब करने से हमारी स्किन में अगर कोई डार्कनेस आने भी वाली थी तो वो भी चली जाएगी। 2 से 3 मिनट स्क्रब करने के बाद आप उस एरिया को अच्छे से धो के पैट ड्राई कर लीजिए। फिर से एक मॉइस्चराइजर, मैं यहाँ पे निविया का व्हाइट टोन मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, उसे अपने पूरे पैर पे अच्छे से लगा लीजिए। ये जो एक्स्ट्रा लेयर हमने मॉइस्चराइजर का अप्लाई किया है ये मेक श्योर करेगा कि आफ्टर शेविंग भी आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहे, सफल रहे और पार्लर जैसा फील हो आपको।
अगर आप घर में इस प्रोसीजर से शेव करते हो तो आपको पार्लर जाके वैक्सिंग करवाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके, और आप लोग मेरे फ्रेंड फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी बन सकते हो। सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इन सब अकाउंट का नाम शर्मिष्ठा बनी की है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय, स्टे ब्लेस्ड।